गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, आप नितिन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया हो गया और आप लोगों की प्रिपरेशन भाई NICL AO के लिए और RRB क्लर्क मेंस के लिए काफी बढ़िया चल रही होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों ने SBI PO और IBPS क्लर्क के फॉर्म भी फिलअप करना स्टार्ट कर दिए होंगे। बाकी जो बैंक के प्रेफरेंस है, मेरे को लगता है बहुत वीडियोज इस पे है, चाहे आप अनिल अग्रवाल सर के देख लो या कपिल काटपाल सर के, उन वो बताते ही बताते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है बैंक प्रेफरेंस में पहला PNB होना चाहिए, दूसरा बॉब होना चाहिए, थर्ड भैया अपना मेरे हिसाब से मुझे लगता है यूनियन होना चाहिए, फोर्थ कैनरा बैंक, फिफ्थ इंडियन बैंक, सिक्स मैं बोलूँगा बैंक ऑफ इंडिया, सेवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एट आपकी मर्जी जो डालना है वो डाल दो। उसके अलावा कहीं ना कहीं SBI PO एक ऐसी एग्जाम है जिसको हर बंदा टारगेट करेगा। इवन दो हम लोग खुद IBPS क्लर्क में हैं, हम लोग भी टारगेट करेंगे, RRB क्लर्क वाले भी करेंगे, एंड इनफैक्ट जो RRB PO वाला होगा वो भी शायद इस एग्जाम को देने का सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं SBI PO कम वैकेंसी, बढ़िया जॉब है, वर्कलोड थोड़ा सा काफ़ी अच्छा रहता है, मगर भाई पगार भी वैसी ही मिलती है, तो भाई पैसा है तो लोड लेना पड़ता है। उसके अलावा यार मेरा बहुत सिंपल है, मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का बॉन्डिंग है, मतलब 3 घंटे मिल पाते हैं मुश्किल से, सुबह 1 घंटा निकालना पड़ता है, शाम को 2 घंटे, क्योंकि जो ब्रांच का टाइमिंग है वो चेंज हो गया, मेरा सुबह 9 से लेके शाम के 5 तक रहता टाइम, तो काफ़ी कम टाइम मिल पाता है, तो मैं सबको 1-1 घंटा दिया हूँ। मैंने इंग्लिश के लिए ज़्यादा नहीं किया, बट मैंने इंग्लिश के जैसे कि रोज़ का मुझे गाइडली का बंडल PDF कोर्स में मिल जाता है, रोज़ का एक RC का सेट मिलता है, बाकी जो मिसिंग के क्वेश्चंस होते हैं मैं वो सॉल्व करता हूँ। बट जो न्यू कमर है, जो नया है, उसके लिए मैं ये बोलूँगा आप लोग को रोज़ के 2 RC के सेट लगाने हैं, उसके अलावा वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने हैं, और वो कम से कम 10 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको फिलर्स, चाहे वो सिंगल फिलर्स हो या डबल फिलर्स हो, आपको वो लगाने हैं। उसके बाद मैच द कॉलम लाइक ABCDEF, अब ए को या तो ई से मैच करना है, ए को एफ से, ए को सी को, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं। उसके अलावा आपको करने हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है, और एक आ रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मतलब एक सेंटेंस में 3 बोर्ड में वर्ड दे देंगे, अब उसको अरेंज करना है ABC BCA CAB ऐसा करके। और उसके अलावा पैरा जंबल अगर पढ़ना है तो कर सकते हो, बट पैरा जंबल मुझे थोड़ा स्लाइटली SBI PO में कम लग रहा है चांसेस आने की। उसके अलावा ग्रामर के एरर की, बट आज के टाइम में ग्रामर जो एरर वाली होती है वो बहुत कम आती है, तो मेरे हिसाब से यदि आप रीडिंग पार्ट पर अपना फोकस करोगे आप बहुत अच्छे से 25 क्वेश्चन के आसपास SBI PO बना पाओगे, यदि आपका रीडिंग स्किल बढ़िया बन गया, और उसी स्किल को यूज़ करके आप एरर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो कम से कम 1 से 2। तो यदि कोई सोच रहा है अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको 2 चीज़ बता सकता हूँ। एक तो भैया न्यूज़पेपर भैया मैं ये नहीं बोलूँगा आप हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप बिगनर हो, मैं ये बोलूँगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो, क्योंकि बिगनर हो एकदम हाई लेवल जाओगे डीमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो उससे अच्छा है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ो। उसके अलावा इन सारे क्वेश्चन की जो आप मैं बताया हूँ ये आपको मिल जाएगी गाइडली के बंडल PDF कोर्स में। अभी SBI PO के लिए उनने फ्री में एक गाइडली का बंडल PDF कोर्स निकाला है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों के पूरा फ्री में क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे हाई लेवल कंटेंट वाले। तो मेरे हिसाब से गाइडली का काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं है, उन लोग के लिए ये काफ़ी बढ़िया इनिशिएटिव है। तो आप लोग जाओ उनकी फ्री जो PDF है उसको डाउनलोड करो और उससे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अब यदि मैं बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग के लिए आपको रोज के कम से कम PO के लिए 6 पजल के सेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन सिलॉक के, 10 इनइक्वालिटी, 10 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस, 10 क्वेश्चन ब्लड डिलीशन, और 10 क्वेश्चन मतलब 2 सेट कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाला, उसके अलावा 1 आप न्यू पैटर्न वाला कोडिंग कर लो क्योंकि आपके फायदे की बात है, और 1 रोज का इनपुट आउटपुट का सेट लगा लिया करो, क्योंकि इससे कैसा होगा प्री और मेंस दोनों बनते चलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेंस वाले टाइम में। उसके अलावा जैसे कि कोई नाम है ऋषभ, अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं वो निकाल लो, या इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो विच इज़ द 3rd letter फ्रॉम राइट हैंड, ऐसे वाले क्वेश्चन हमको काफ़ी देखने मिलते हैं, इसमें टाइम भी लगता है, तो यदि आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको टाइम काफ़ी कम लगेगा। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ गाइडली से ही पढ़ो,
या आपके पास RS अग्रवाल की बुक होगी मोटी वाली तो उससे पढ़ सकते हो, और यदि नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी सारे हैं, वहाँ पे आपको रोज़ का कंटेंट मिल जाएगा। तो अब ढूंढना पड़ेगा, अभी कैसा गाइड भी आपको फ्री में दे रहा है तो उसको डाउनलोड करो, मुफ्त का माल है, अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। उसके बाद मैं अभी बात करूँ मैथ सेक्शन की, तो मैथ्स के लिए आपको रोज के 4 सेट DI के लगाने हैं, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन, 20 क्वेश्चन सिमुलेशन, उसके बाद 20 क्वेश्चन अपने क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन रॉन्ग के, 20 क्वेश्चन मिसिंग के। और यार इतना ही कर लोगे ना, और एक दो सेट आप एक दो चैप्टर पढ़ लो, एवरेज परसेंटेज और अपना टाइम एंड वर्क, भाई इतना भी करके आ गए ना आपका SBI PO निकलना है, प्री तो निकल ही जाएगा। मेंस की मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना इसको फॉलो करते हो रिगुलरली। मेरे पास टाइम की लिमिट है इसलिए मैं इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो लगता है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन एरिया में स्ट्रांग हूँ, मैं उसको स्किप कर दूंगा। बट जो लोग नए हैं या जिनका नहीं निकल रहा है प्री, मुझे लगता है आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, यदि वीडियो सही लगे पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा मैंने जो टेलीग्राम वाली जो गाइडली की फ्री PDF वाली कोर्स की लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यदि वीडियो सही लगे तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।